जानना चाहेंगे जो पूरा विषय है। आज एनडीएमसी काउंसिल की बैठक थी, हर बार की तरह अरविंद केजरीवाल एनडीएमसी काउंसिल की बैठक में जनता से जुड़े मुद्दे पर जब सवाल पूछते हैं तो भाग खड़े होते हैं। उन्होंने कहा था जब पंजाब में हमारी सरकार आ जाएगी तो पराली जलाने के मामले बंद हो जाएंगे। तो उनकी दिल्ली की सरकार की एक रिपोर्ट मैंने इसको पेश किया, इसमें बताते हैं कि देश में सबसे अधिक पराली जलाने के मामले जहां उत्तर प्रदेश में 60 से भी कम है, तो वहीं 561 के करीब वहां पराली जलाने के मामले हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपने दिल्ली में कोई एक भी इनिशिएटिव, कोई एक भी मेजर नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं, जब उनसे पूछा कि आप जवाब दे दीजिए कि आपने पराली जलाने के अलावा दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं, दिल्ली में इंडस्ट्रियल वेस्ट को कम कुछ नहीं हो रहा, दिल्ली में बसों की कमी है, दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र वाले विषय पे कमी है, तो उनके पास इन सब चीजों के बाद कोई जवाब नहीं था और वो मीटिंग एडजर्न करके भाग नहीं कुछ। मैंने उनसे कहा अरविंद केजरीवाल जी पहले 4 बार भाग चुके हैं, आप 5वीं बार फिर भागने की आप कोशिश करेंगे तो आप डेंगू मलेरिया पे जवाब दे दीजिए। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया के 10,000 से ज्यादा केसेस दिल्ली में आ गए हैं जो आपकी रिपोर्ट छुपा रहे हैं और आपकी सरकार उसमें कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, तो उसके ऊपर आपने बताने से जवाब नहीं था, आपने कोई भी छिड़काव नहीं किया, आपने कहीं पर भी डेंगू मलेरिया को लेकर आपने कहीं पर भी आपने इनिशिएटिव देखते हुए सफाई को लेकर आप कूड़े के ढेर बढ़ गए हैं। इन तमाम मुद्दों पर, पोल्यूशन के मुद्दे पर, डेंगू मलेरिया के जुड़े बढ़ते हुए केसेस के मुद्दे पर और पर्यावरण के मुद्दे पर और प्लस कूड़े के मुद्दे पर उनके पास जवाब नहीं था तो मीटिंग छोड़कर भाग गए। देखिए हम अपनी जवाब अपनी आवाज उठाते रहेंगे, अपने सवाल पूछते रहेंगे और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मजबूर करेंगे कि पोल्यूशन पे स्टेप उठाए, बड़ी बड़ी बातें ना करें, पराली में ना जले पंजाब में, इसके लिए भगवंत मान को भी वो बात करें। इन तमाम चीजों पे हम अरविंद केजरीवाल से जवाब पूछते रहेंगे और बाध्य करेंगे कि आपको जवाब और हिसाब देना पड़ेगा।